हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक रेसिपी में चार डिश बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेसिपी ये है। तो इसमें थोड़ा सा दो मीडियम साइज के शिमला गया है, थोड़ा सा प्याज भी है और हरी मिर्ची कटी हुई है थोड़ा सा। और देखिए, एक चम्मच नमक ली हूँ, थोड़ा हल्दी लेना बाकी है। और यहाँ पर देखिए, ये जो दूध जो है आज ख़राब हो गया, गर्मी का मौसम है तो दूध फट जाता है आपको। और बारिश भी है तो देखिए दूध मतलब ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर दूध ख़राब हो गया तो इसको फेंकना नहीं है। इसका जो पानी है उसे आप करी बरी बना सकते हैं, इसका छेना निकाल के आप रसगुल्ला बना सकते हैं। ये दो काम में आपको आ जाएगा। तो मैं इसका रसगुल्ला भी बाद में बनाऊँगी छान करके। और यहाँ पर देखिए, और जो करी बनाऊँगी ना, तो उसके लिए देखिए बेसन घोर के रखी हूँ। इसमें नमक उमक कुछ नहीं गया है, तो इसमें सिर्फ नमक लेना है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कोथमीर लेंगे, हल्की सी हरी मिर्ची लेंगे इसको पकौड़े बनाने के लिए। ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मिर्ची है, तो इसको भी मतलब तलना है, फ्राई करना है। तो इस तरह से देखिए धो करके इस तरह से चीरा मार दीजिए। और इसमें ऐड करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक चम्मच नमक है, एक चम्मच हल्दी है। और यहाँ पर दो आलू है, तो आलू ये उबले हुए आलू है, तो इसका भी हम भजिया बनाएंगे इसमें डिप करके। तो सबसे पहले देखिए हम अभी क्या करेंगे, ये जो मिर्ची है, तो यहाँ देखिए ये हल्दी नमक है ना, इसको मिक्स कर लेना है। और जैसे मिर्ची का भजिया बनाते हैं तो इस तरह से बनाइए, तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नमक हल्दी भर देंगे, हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा भी नहीं नमक होना चाहिए। ये देखिए, आप एक तरफ भी भरते हैं तो भी चलेगा, दोनों तरफ भी भर लीजिए तो भी चलेगा। इस तरह से देखिए भर लीजिए हल्का हल्का। देखिए सब में भर के हो चुका है, ये लास्ट की बाकी है। और यहाँ पर देखिए ये जो बच गया है हल्दी और नमक है, तो जो पकौड़े बनाने वाली हूँ इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, जिसमें मेकअप हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी और ले लूँगी। और यहाँ से देखिए इसका भी मसाला तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का प्याज लेना है। और ये देखिए हरी मिर्ची काट के रखी हूँ, थोड़ी सी लेनी है। थोड़ा धनिया हम ले लेंगे, इसको बाद में मिक्स करेंगे। तो आज देखिए, आज नई पैकेट तेल की खोल रही हूँ, अच्छी बार ये वाला तेल लाए हैं घर के लिए। ये तेल सफोला गोल्ड है, मतलब माशाल्लाह ये तेल बहुत ही अच्छा रहता है और कम बजट में मतलब खाना बन जाता है। तो देखिए इस तरह से पैक है, तो आप इस तरह से खोल सकते हैं, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम थोड़ा गर्म होने के लिए तेल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 150 ग्राम तेल लेना है यहाँ पर, यह ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम हल्दी ले लेंगे, बुक्की मिर्ची भी ले लेंगे टेस्ट के लिए। और यहाँ पर जो प्याज है, ये सभी प्याज भी हम ले लेंगे, कोथमीर हरी मिर्ची सब ले लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी उड़द का दाल भी भीगा हुआ पीस के गया हुआ है। उड़द के दाल से भी कभी बनाइए, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लगता है भजिया खाने में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सब सामान गया हुआ है। अभी हम यहाँ से एक एक मिर्ची उठाएंगे, इसको डिप करेंगे थोड़ा। देखिए दो या तीन रख करके इसमें फ्राई कर लीजिए, चूल्हा को कम ज़्यादा करके कर लीजिए। यहाँ पर हम पलट लेंगे, चूल्हा को बिल्कुल ही कम रखना है, नहीं तो जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे। और मुहर्रम की आज 9वीं तारीख है, तो 9-10 को रोजा रखते हैं घर वाले, मतलब तो घर में आप चाहे तो इस तरह से बना लीजिए तो अच्छा रहता है, मतलब आसानी हो जाती है। देखिए जैसे बड़ी बड़ी मिर्ची अगर से आपको नहीं जम रहा हो तो आप उसको टुकड़ों में काट के भी, छोटा छोटा टुकड़ा करके भी इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब इसे बनाना। देखिए यहाँ पर जो उबले हुए आलू है उसको काट लेना है, तो इसको आप पतला चाहे जैसा भी आपको पसंद है उस तरह से काट लीजिए। और
और ये देखिए ये बासी हो चुका है, मतलब कल ही उबाली थी, फ्रिज में था। इस तरह से अगर फ्रिज में रख के कल हो के आप बनाते तो काटने में आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरी खाने भी हो चुका है, इस तरह से अच्छे से सेक लेना है, मिर्ची अच्छे से पक जाना चाहिए तो खाने में अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मसाला दूसरी खाने भी बन चुका है। इस तरह से घर में थोड़ी सी मिर्ची का भी बना सकते हैं। तो उस पर हल्का सा हम नमक ऐड कर देंगे कि थोड़ा नमक लगे खाने में, क्योंकि ये फीका होता है ना और मीठा मीठा आलू लगता है, इसके लिए चिली ऐड करेंगे, इस पर छीटेंगे। अब यहाँ से हम एक एक आलू उठाएंगे, इस तरह से बीट करेंगे इसमें हल्का हल्का मसाला। चूल्हा कम रहेगा, फास्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम पलट लेंगे, थोड़ा सा चूल्हा फास्ट करेंगे। आलू के भजिया भी बन के तैयार हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से सेक लेना है। इसमें जो बच गया है इसका हम पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े के लिए चूल्हा खास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए जो करी वाला है उसको मिलाना है, मिक्स करना है पकौड़े के लिए, तो इसमें हम बड़े बर्तन में मिला लेंगे। इसमें भी हल्का सा भूखी मिर्ची भी ले सकते हैं अगर लेना है तो। ठीक, यहाँ पर हम छोटा छोटा बना लेंगे पकौड़ा। यहाँ पर देखिए घानी पकौड़े भी बन के तैयार हो चुके हैं, दूसरी घानी है, दूसरी घानी भी उसी तरह से बना लेना है और माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर देखिए सभी पकौड़े तल के हो चुके हैं, इसे कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए तेल बचा हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा नल्ली भी तल लेंगे, इसमें चूल्हा फास्ट रहेगा नल्ली के लिए। करी के लिए देखिए थोड़ा सा जीरा ली हूँ, थोड़ा सा सूखी मिर्ची है बघार के लिए, कितना ही लेना है। अच्छा पटने बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दूध का जो छेना है तो इसका सिर्फ पानी मिक्स कर लेंगे, इसमें चूल्हा एकदम बिल्कुल कम रहेगा। यहाँ पर छान लेंगे इसको धीरे से। तो देखिए इस तरह से छान लेंगे। आधा लीटर दूध था इसमें, देखिए दो काम हो जाएगा, इसमें रसगुल्ला बन जाएगा और उसे मतलब करी भी बन जाएगा, सालन बन जाएगा घर में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम हल्दी ले लेंगे, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। थोड़ा सा मिर्ची मिर्ची ले लेंगे, हल्का सा धनिया ले लेंगे, मेरी जीरा गरम मसाला एक चम्मच। जो भजिया बनाई थी उसका सब मसाला बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पानी है थोड़ा इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करके सब धो धा करके इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बेसन भी घोल के ले सकते हैं इसमें, तो गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। दही भी ले सकते हैं थोड़ा है तो, नहीं तो ऐसा सादा भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए खट्टे के लिए मैं थोड़ा सा इमली ली हूँ, तो इमली को इसमें ऐड कर देना, पानी में भिगा देना इमली को। अब यहाँ पर देखिए फिश का मसाला है, तो ये भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मसाला ले लेंगे टेस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए इसको अच्छा उबाल उबालना है, मतलब एकदम अच्छे से उबल जाना चाहिए मसाला, पक जाना चाहिए, उसके बाद हम पकौड़ा उसको ऐड करेंगे। तो देखिए मसाला पक चुका है, इसको इस तरह से अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक उबाल आ चुका है अच्छे से, पकौड़े को डाल देंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको अच्छे से। जो तेल है तेल सब इसमें हम ले लेंगे। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे,
देखिए मजे की करी भी तैयार हो चुकी है बनके, इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हरी धनिया है वो ऐड कर देंगे। आज हम चावल में ही सजाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन का सालन है, अभी जो सब तरह के भजिया बनाई थी बन चुका है, मल्ली भी तल चुकी हूँ। तो आज के खाने में देखिए चावल बना है, तो इस तरह से देखिए आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। और आप सबको मुहर्रम का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा निगहबान।